I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Remember बरेली यहाँ कुछ साल पहले एक झुमका गिरा था कई लोग ढूंढते रहे वहाँ से एक रात का सफर है मोकामा घाट बिहार राम राम डॉक्टर साहब राम राम क्या हाल ठीक है तेल लाया हूँ भिजवा नहीं नहीं तेल वेल मत भिजवा यार मतलब और तुम भी मत खाया करो ज्यादा तेल एक उम्र के बाद ठीक नहीं होता ठीक है अरे प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम अरे क्या करो क्या हुआ अरे जी हम आप ही के क्लिनिक आ रहे थे कहे हमारा ब्याह है ना अच्छा तो कार्ड देना था आपको लाओ यही दे दो आना है आपको हाँ वो तो हम आ जाएंगे लेकिन एक बात याद रखना तुम का इधर आओ इधर जी ये विवाह के पहले और विवाह के बाद वाले डॉक्टरों से थोड़ा बच के रहना विवाह के बाद वाले डॉक्टर कैप्सूल पावर ये सब जो खाते रहते हो गलत बात नहीं खानी चाहिए जी मैं कैप्सूल की ही सोच रहा था एक बात बताओ बीवी ला रहे हो कि भैंस ला रहे हो बोलो गंगाराम सोचा था बीवी भाग गई तुम सोचोगे तुम्हारी बीवी भाग जाएगी कैप्सूल हाथ में पकड़ के मम्मी को देखते रहोगे कौन गलत है का टोटल गलत है जी, सोचना जी, सोचना प्रणाम जी प्रणाम हाँ सबको बारी आप लोग शांत हो जाइए ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है है ना डॉक्टर साहब पहले तुम तो शांत हो जाओ जी डॉक्टर साहब क्या हुआ इसको डॉक्टर साहब देखिए ना कुछ दिन पहले इसकी शादी करवाई है डॉक्टर साहब गोना भी नहीं हुआ अभी डॉक्टर साहब देखिए कड़ा भी नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब अगर गोना कराओगे तब तो लाओ कुर्सी लाओ आप कुर्सी हटाओ हटाओ जल्दी लाओ जल्दी कुर्सी कुर्सी आइए सर बैठिए बैठिए बैठ जाइए कब मारा था लकवा इसको पप्पू के बर्थडे वाले दिन है अच्छा पिस्टल ढूंढ रहे का बताओ शादी हो गई है देख रहे हैं आप गौना नहीं हुआ ना खाली गौना प्रॉब्लम बेटा कैसी थी बीवी अच्छी थी ना नाम क्या था उसका ओ ओ ओ ओ कभी छुआ था घंटा छुआ हाँ? चलो खड़ा करो हाँ, चलो, 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 आराम सही से हाँ, नाड़े का ढीला है आपका पेशेंट लकवा भैया चिरांजी उसने बताया तो बावली डॉक्टर साहब एक काला होकर के आ गई है और इसको कुछ पता ही नहीं है हुआ क्या इसको ये कहीं से मुंह काला करवा के आई है डॉक्टर साहब अरे जब आपको मालूम ही है कि मुंह काला करवा के आई है तो मेरे पास क्यों आई है अंदर ले चलो खराब करके आ गई डॉक्टर साहब देखो चलो अंदर चलो अंदर आइए 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 अब नहीं बहुत दर्द हो रहा है यहां पे यहां पे अपेंडिक्स देखो हमको अपेंडिक्स का खतरा लग रहा है जी इसलिए उसको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब शहर जाना होगा हो सकता है इमरजेंसी में ऑपरेशन कराने के लिए भी बोले
डॉक्टर साहब आप यहीं पे क्यों नहीं कर देते? अरे भैया हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास मशीन नहीं है ना। डॉक्टर साहब आप मशीन ले आइए ना। कहाँ से ला सकते हैं हम मशीन? डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए बजरंगबली भगवान हो, जैसे बजरंगबली भगवान संजीवनी बूटी ले आए थे तो आप हमारे गाँव के लिए एक मशीन नहीं ला सकते, उससे हमारे पूरे गाँव की जान बचेगी। डॉक्टर साहब आप किस सोच में पड़ के करवाइए ना सर। आपको सर बजरंग बली बोल रहे हैं। सुनो वो सब छोड़ो, हम मशीन जब लाएंगे तब लाएंगे। डॉक्टर साहब पैसे तो रख नहीं, काम आएगा। शहर जाओगे क्या बोलोगे? पंत अस्पताल। पंत अस्पताल डॉक्टर सरीन जी। राम राम। सर अल्ट्रासाउंड मशीन गांव में लाना बहुत अच्छा होगा ना। अल्ट्रासाउंड मशीन गांव के लिए ले तो आऊं, लेकिन ऑपरेट कौन करेगा? क्या मुझे फिर से जाके किसी इंस्टीट्यूट में? सर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में हर उम्र के लोगों को अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग मिलती है। याकूब अंसारी पढ़ाने की उम्र में पढ़ने चलो दिल्ली। ऐसी बिल्डिंग और ऐसे कपड़े मां, यहां ऐसे नहीं चलेगा ना। See me now, bubbling, bubbling, wear the crown. See me now, bubbling, bubbling, wear the crown. कट ले। अरे बाप रे बाप, इतने सारे अवार्ड ट्रॉफी अंग्रेज छोड़ के गए क्या? बेटा अंसारी खामखाए डर रहे थे तुम कि कैसे कटेंगे ट्रेनिंग के दिन। दिन क्या, यहाँ तो सदिया लगा दूं। How may I assist you, sir? बस इतनी मदद करना कि मेरी कोई मदद मत करना। Sir, 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 how may I assist you? By the way, जी, I am बिहारी, दिल्ली से दिल्ली वाली, और नाम है डाकू अंसारी। हम्म? डॉक्टर याकूब अंसारी। बड़ी दूर से आए हैं, तुम्हारे लिए आए। जी बड़ी दूर से मतलब है कि मोकामा घाट बिहार से आए हैं। अच्छा। तुम्हारे लिए मतलब है अल्ट्रासाउंड का ट्रेनिंग लेने आए, पढ़ाने की उम्र में पढ़ने आए हैं। सुना है कि आजकल हर उम्र के युवक को ट्रेनिंग दे रही हो तुम। सही पकड़े हैं सर। पकड़े ही कहाँ है जी? दोगी? क्या एडमिशन भाई, स्टूडेंट है। आपका एडमिशन हो सकता है, मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ और आप ये फॉर्म। अरे कहाँ, जब दिल मिल गया है तुम फॉर्म वॉर्म का आदान प्रदान छोड़ो। अब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, किसी कोने खोपचे में बैठ के भर लेंगे फॉर्म। फॉर्म भरने में कितना टाइम? वैसे एक बात कहें जी, बड़ी कटपीस हो तुम। कटपीस मतलब? कटपीस मतलब भगवान के बनाया अलग अलग कट, अलग अलग पीस। एक अलग पीस मैं, एक अलग पीस तुम। हम दोनों जब मिल जाएंगे तो एंटीक पीस बनेगा। नाम रखेंगे बिल्किस अंसारी छोटी सी। लाइन मार रहा है मुझ पर। एक बार एडमिशन होने दो, फिर बताते हैं इस बुड्ढे को। एक बिहारी ने सोचने पर मजबूर कर दिया, मतलब मैं जीत गए। सर ये चूड़ी गिर गई क्या? थैंक्स। ड्रेसिंग सेंस सटीक है आपका? बिल्कुल सर। प्लीज आप वहाँ बैठिए। मैडम मौसम को देखते हुए बनाया गया आपका ये कपड़ा, हवादार, कहीं पेड़ न उग जाए इस पे। ग्रीनरी, ग्रीन इंडिया। सर वहाँ बैठिए ना।
अब उठना बैठना तो तुम्हारे ही कहने से होगा बहू। बहू एक बात बताओ, इतनी एसिया लगी हुई है, एकदम हिमालय पे बैठी हो तुम, क्या कंबल साथ लाती हो तुम? सर सर बैठिए 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 सर, कंबल की जरूरत नहीं है, मुझे आदत सी हो गई है। सर आप ये फॉर्म भरिए ना, जितना जल्दी आप ये फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जी जी जी, फिर उतना ही जल्दी खत्म भी तो होगी। जी जी जी, फिर आप अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों से पोते पोतियों से आराम से मिल पाएंगे। प्लीज ये फॉर्म भरिए सर। किससे बात कर रही हो? आप ही से सर। अरे हमारे अब्बू तो कल ही निकले हैं हमारे लिए लड़की देखने। अच्छा। और जहाँ तक दिल का सवाल है, हमने भी दिल लगाया है। जी जी, हमने अब्बू से वादा किया था जिस दिन डॉक्टर बन जाएंगे मोकामा घाट में अपना क्लिनिक खोलेंगे, वहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, और जी भर के सेवा कर रहे हैं हम। अब क्या है, ये फॉर्म दिल से तुम भर दो। एक डेड बॉडी पिछले दो दिनों से हमारे वॉशरूम में पड़ी है, ठिकाने के लिए लगाया अब तक। सॉरी सर। एक बॉडी बाथरूम में पड़ी है? रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हो? एक बार तो देखना बनता ही है, लेकिन बर्खुरदार कम से कम थोड़ी बर्फ ला के रख दो, सड़ने से तो रोक सकते हो। इडियट। सॉरी सर। बहन जी, ये प्रेमनगर जड़क पुरी है ना, पुलिया के सामने है? वही है सर। ऑटो वाला गलत तो नहीं छोड़ा बहन जी? नहीं नहीं सर, सर प्लीज। सर मैं आपके हाथ जोड़ बैठो, हाथ तुम जेल में जोड़ना। पहले इस मर्डरर का नाम बताओ मुझे। सर आप बैठिए बैठिए प्लीज। बिठाई देती हो तुम, बोलो। सर चार दिन पहले पेस्ट कंट्रोल कॉकरोच की बॉडी है, रह गई होगी एक आध। बड़ा बारीक डॉक्टर है ये, कहीं घबराहट में बहन जी बोल दिया, इसको बुरा तो नहीं मानी होगी? नहीं ना, बैठिए। कौन है ये डॉन? डॉक्टर आकाश कपूर। डॉक्टर आकाश कपूर? अरे बचपन में मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं। अच्छा। हाउ टू डील विद कॉन्स्टिपेशन। बड़े खुशकिस्मत है हम। जी जी जी। जो हमारे सामने गुजर गए। क्या मेंटेन किए हुए हैं यार, देखो हम कहां से कहां हो गए। जी जी। वो देखो एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, कड़ा एकदम स्लिम स्लिम। उम्र क्या होगी? किसकी? आपकी। ठरकी। आप कौन आ गया बोलो ना। अरे तू तो ऐसे देख रही है जैसे मेरे पीछे वो। मॉर्निंग। तो सस्ते में सपने देख रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये कटपिस कौन है? ये कल्पना मैम है। तुम बूंद जिंदगी की, एक बूंद तुम, दूसरी बूंद वो। सर वो बूंद आपकी जान ले लेगी। का है? टीचर है आपकी, क्लास लेंगे आपकी। उम्र क्या होगी? मेरी? नहीं 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 नहीं, उनकी। यार तू लड़का है ना, मुझे फील ही नहीं आ रही यार। मुझे फीलिंग दो। आ गई, लो आ गई, आ गई, अबे क्या आ गई, आ गई। अबे कब से इंतजार कर रहे हैं यार तेरा। मेरा इंतजार क्यों यार, तू रिहर्सल नहीं करवाएगी तो ये रिद्धि को प्रपोज कैसे करेगा? ओ तो तू फाइनली तैयार हो गया। चल ये तैयार हो गया ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आजा 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 आजा। चल अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्शन तो बोलने तो पहले। तुम डायरेक्टर भी बन गए? अरे
क्या बात है, चलो मूड में आ जाओ, रेडी। एक्शन। ओ गोंजू, आंखों में आके कौन मिलाएगा? बॉडी स्ट्रेट नहीं कर पाएगा कुछ भी भाई। चल पहले यार थाम लेगा ना तो थप्पड़ लगाएगी। सॉरी यार। चल आई। अबे रिद्धि आगे, रिद्धि भाग तेरी क्यों? इधर पेट 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 पेट। हाय, इसका कुछ नहीं हो सकता, हड़बड़ी में जाएगा ये। भाई तुझे ही देख रही थी लगातार। कहाँ यार, मेरी तरफ तो देखा ही नहीं उसने। लड़कियाँ ऐसे ही देखती हैं, सच में देखे ही ताड़ लेती हैं। देखना दिखाना ना बहुत हुआ, जा और जाके रिद्धि को प्रपोज कर दे। हाँ। नहीं यार, अभी मैं प्रपोज नहीं कर सकता। अगर क्यों? नहीं भी होगी तो। अरे वो क्या है ना, मैंने ना जापनीज जूते मंगवाए हैं, तो जब तक जूते नहीं आते मैं नहीं प्रपोज करने वाला। ये जाएगा रिद्धि के पास जापनीज जूते लेकर और कहेगा, रिद्धि डार्लिंग प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, वरना ये जूते मेरे सर पर मारो। ओए बढ़िया है ना, लड़की के जूते खाने से अच्छा है खुद के ही उतार के खुद पे मार लो। चुप चुप चुप, समझ नहीं रहे हो यार तुम लोग। मैं ये बोल रहा था कि देख, जब चाइनीज जूते जापानीज जूते आएंगे तो मैं ना हाइट में थोड़ा सा लंबा लगूंगा, फिर मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और मतलब मैं जैसे जैसे फिल्मी हीरो लगूंगा यार, तो वो हाँ कह देगी। कन्नू ये बहुत दूर की सोच रहा है। हाँ, जापानी शूज पहन के प्रपोज करने जा रहा है और चाइनीज अंडरवियर पहन के स्वर्गरात पे जाएगा। भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन सुन, एक साइट बताती हूँ, हनीमून साइट पर जाइयो, वहाँ तुझे डिस्काउंट में प्यारी प्यारी अंडरवियर्स मिलेंगी। बोला था ना मैंने, कुछ नहीं हो सकता इसका, पता मेरे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुन, कौन से साइट की बात कर रही थी वो? चलते हैं, चलते हैं। कौन है ये? ओए, तूने प्रपोज भी नहीं किया और तेरी कंप्लेंट हो गई क्या? देख, तेरे बाबूजी को बुला लिया। अबे ओए, तेरे बाबूजी प्लम्बर है क्या जो लीकेज चेक करने आ गए? अबे रुक रुक, मैं देखता हूँ कौन है। अरे प्लम्बर साहब, आप यहाँ लीकेज चेक करने आए या इंस्पेक्शन करने? पहले आया था, इस इंस्टीट्यूट का नया डीन हूँ मैं। डीन? डीन? सॉरी क्यों बोल लो, गले में हाथ डाल दो, प्लम्बर बुलवा लो, कुर्सी भेज दो, कुर्सी कारपेट लपेट के ले जाओ, बहुत बुराई सुन रहा हूँ आप लोग की। मैं तैयार रहिएगा, किसी को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ किसी भी वक्त। और हैं सॉरी, पूरे देश को बर्बाद कर रखा है सॉरी ने। नाम किसका सर? सर मंजीत। पूरा नाम? सर मंजीत सिंह। और आप? नाम? जी सर, मेरा नाम जयेश कुमार है, लेकिन वो प्लम्बर वाली बात इसने करी थी सर। प्लम्बर वाली बात? तुम कौन? कनू। आप भी बता ही देते भाई साहब। सर रवि पुजारी। खामोश खड़े हो, नाम? सर बिहार। अबे यार तुम तो बिहार गवर्नमेंट मुख्यमंत्री सबका अपना नाम जो पिताजी ने रखा है। सर रोनी सिंह, पिताजी का नाम अर्जुन प्रसाद सिंह, 146B ओल्ड पालम रोड सोलाकुल विहार 110। पोस्टमैन बना के बुलाने का इरादा है क्या? सॉरी सर। नाम? रिद्धि। नाम? सर रिद्धि। है? रिद्धि। रिद्धि कह रही है। कोशिश है। कोशिश? और आप? परेशान। किस बात से? परेशान पांडे नाम है सर मेरा। परेशान पांडे? कभी कभी माँ बाप ना। आई एम बिहारी, दिल्ली वालों से दिलदारी, पकड़ा बेटा। और नाम है डॉक्टर याकूब अंसारी, आप लोग के साथ ही ट्रेनिंग लेने आया हूँ। क्या? इंशाल्लाह जी। आप लोग को क्या कोई बेवकूफ बनाया, आप तो बचपन से ही। यहाँ तो हवा टाइट और बीपी हाई कर दिया था। अरे यार तेरा बीपी भी हाई हुआ था,
हाँ अभी मेरा बेबी भी हुआ था, वो ब्लड ग्रुप सेम है ना। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा लड़कियों के बारे में बड़ी जानकारी है तुम्हारी। क्या हुआ गुरुजी? आपसे ना बहुत कुछ सीखना है, चेली बना लो अपनी। अबे अभी मंदिर बना नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। जा 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 के बैठ 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 जा। भाई कौन भाई साहब अब कौन लेगा क्लास? कोई भी ले ले। नहीं वो एक बुक बड़े वाल वाली सारा बानो टाइप्स कटपिस थी, वो नहीं आई क्या? वो कहाँ? अरे वाह गुरुजी, आते ही आपको मैडम की चिंता होने लगी। अरे भाई साहब आपकी चिंता करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, समझ रहे हैं आप? आपकी मम्मी क्या सोचेंगी, कोई पढ़ाया मर्द मेरे बेटे की चिंता कर रहा है, उनको शक होगा ना। तो क्या है कि वो शुद्ध है, करारी है और सबसे बड़ी बात पवित्र है। वाह गुरुजी, शुद्ध देसी रोमांस है आपका। अब क्या करें, दिल की डिमांड ऐसी है। कोई आया क्या? बच्चों क्यों है? कौन है मैं? आई आई। मैम गुड मॉर्निंग। कुमारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। लगता है हमारी क्लास में दमे के मरीज कुछ ज्यादा नहीं हो गए, इनका इलाज करना पड़ेगा। खैर हम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करते हैं। मैम रुकावट के लिए खेद है। जी मैं डॉक्टर याकूब अंसारी, मुझे बताइए कि आप पढ़ाने में ज्यादा टैलेंटेड हैं कि दिखने में ज्यादा टैलेंटेड हैं? अंसारी जी आप कहना क्या चाहते हैं? नो सीरियसली सीरियसली, बाहर लौंडे आपकी क्लास के लिए मर रहे हैं, कह रहे हैं कल्पना कल्पना कल बोलो। हाँ गुरु जी। मतलब मतलब पूछ रही है? सब बता डाल। माँ की आँख। देखिए जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लेडी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, आपको तो मैं मालूम है, न्यूज पढ़ती हैं आप। प्रोड्यूसर चिल्ला रहे करीना हटाओ कल्पना लाओ, करीना हटाओ कल्पना लाओ। अंसारी जी जी मुझे ये बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? अरे यार पूरा ससुराल जल गया, पूछ रही है लड़के का बाप कौन अरे है? गुरुजी आप अपनी बताओ, आप यहाँ पढ़ने आए हो या मैडम को देखने? पढ़ने के लिए पैसा दिया है पूरा एडवांस में। डॉक्टर अंसारी जी अगर आप पढ़ाने दोगे तो पढ़ाएगी ना। वाह रवि वाह, व्हाट अ टाइमिंग यार। पता है मैम आपकी क्लास में ना रवि का दिमाग कुछ ज्यादा ही लगता है, क्योंकि इसे ना वो हो गया है। वो मतलब प्यार इश्क मोहब्बत। साइलेंस। इनका भी साइलेंस। आई सेड कोशिश जारी है। असाइनमेंट्स तो आप लोगों से होते नहीं है, ये प्यार व्यार कहाँ से हो जाता है? बताओ। असाइनमेंट्स ही तो नहीं होते, प्यार तो हो ही जाता है। अच्छा सेम यार विद सेम इंटेंसिटी। गाड़ी में प्यार, टॉयलेट में प्यार, रेलगाड़ी में प्यार, प्यार एवरीवेयर। ऐसा है नाउ नेक्स्ट क्लास डॉक्टर कपूर की है। जी आज मेरा दिमाग तो आप लोगों ने खराब कर दिया है। Correct. और अब मैं जा रही हूँ। अरे मतलब आप जा रही हैं? जी। अरे यार अभी तो तैयार हुआ था पढ़ने को। बड़ी सही है कटपिसी है। सीरियसली तीन टिकट कटवाने पड़ेंगे ना, एक नीचे बिल्किस की अम्मी रिसेप्शन वाली और ये फरीदा की अम्मी। हमारे में तो चलता है ना, तीन की जगह और खाली है। नहीं बॉडी बना गई। अरे आजा तू भी खा ले। तू शांति से बैठ नहीं सकता। अच्छा तुम्हें पता है कल्पना मैम की क्लास के बाद रवि कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करनू तू भी यार। हेलो So sorry, yeah, I got a little delayed, but thanks for waiting. So what have you ordered? अबे वो आशिक नंबर वन, ये दूर दूर से ही देखता रहेगा या इसको प्रपोज भी करेगा? सच्चा प्यार करता नहीं करता? प्रपोज? यार मुझे डर लगता है यार, इससे बेटर दिल की बात दिल में रह जाए। यार दिल की बात अगर दिल तक रहेगी तो फायदा क्या है? देखो ज्ञान कौन दे रहा है, जिसका खुद का कुछ पता नहीं। मुझसे कंपेयर क्यों कर रहे हो यार,
मेरी स्टोरी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। साला मस्त जिंदगी चाहता है, वो भी दो बच्चों की माँ के साथ, और वेट कर रहा है तीसरे बच्चे का बाप यही बने। अबे अपने क्लास में भी लड़के आए हैं, कन्नू है, रिद्धि है। रिद्धि नहीं, मतलब तेरे से कुछ नहीं हुआ तो बेचारा ट्राई तो कर ही सकता है ना। इसका भी हाल ना मेरे जैसा होगा, प्रपोज नहीं कर पाएगा ये। देख ले तेरा फ्यूचर। ऐसा फ्यूचर मैं अपना नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं करता हूँ। जय बजरंग बली। सुन बे, अपने प्यार के बीच में बजरंग बली को लाया ना तो यही फोड़ दूंगा। अबे ऐसे टाइम पे बजरंग बली नहीं, कृष्ण कन्हैया जी को याद किया जाता है। जय कृष्ण कन्हैया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चल 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 जा। पिटेगा। मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। मुझसे बात करनी थी? नहीं नहीं, आपसे नहीं, रॉन्ग कनेक्शन। मुझे आपसे बात करनी है रिद्धि। क्या? हाँ क्या, मतलब एक्चुअली मैं यह सबके सामने नहीं कर सकता। क्यों? हाँ क्यों, कुछ ऐसे ही पर्सनल है, प्लीज अगर प्लीज ले गया यार। अबे यार मेरे वाले भी ऐसे गई थी जैसे ही जा रही है। चलो। टेल मी, क्या बोलना चाह रहे थे? मार खाएगा। क्या? वॉल्यूम, स्पीक अप, वॉल्यूम, स्पीक अप जयेश। आलू I love you. तो ये बात है। हाँ। सच में I love you बोलते भाई? अब समझ में आया। तुम्हारा क्या काफी सच्चा है। आज तो काम हो ही गया। हो ही जाएगा। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा प्यार इतना सच्चा है? तुम इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहे थे कि शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। ये सच्चा प्यार नहीं तो और क्या है जयेश? मेरा प्यार बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है मेरा प्यार, सच्चा है। तुम शाम को मेरे साथ घूमने चलोगे? हो ही जाएगा। मेरे साथ तुम घूमने चलोगी? क्या जयेश? चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। वो क्या कहते, वो ऐसे पीते, ऐसा पीते ना? क्या? ऐसा नहीं, ऐसा पीने जाएंगे ना? कॉफी। वहाँ तो कॉफी शॉप नहीं दिखाई दे रहा है। कॉफी तो मैं तुमको पिला दूंगी जयेश। हाँ। लेकिन उस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे प्रपोज करोगे? हाँ? Have you lost your mind? Have you even looked at yourself? Get lost. You don't even know what he just did. He's telling me he wants to go out on a coffee date with me. Me? Shakal? Meri wali ne bhi aise suna hai. Kya hua? Kya? Oye, kya hua? Kya hua be? Kuch aur order kiya? Nahi kiya na. Abhi bol na. Abhi chali gayi, ab to bata kya hua? होना क्या, जो बोलना था बोल दिया। क्या बोला? क्या? अरे तूने तो बोला, पर उसने क्या बोला? उसने बोला कि पॉजिटिव है, थोड़ा सेटिंग में टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ से तो लग रहा था कि वो तुझे डांट रही है। हाँ मैंने भी देखा। सबने देखा? झूठ मत बोल। मैंने भी देखा। लग रहा था डांट रही है, मतलब वो कह रही थी कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट बातें करें, तुम्हारे कैसे लुच्चे लफंगे दोस्त है कमीने, जो घूर घूर के आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं। तुम लोग क्या जरूरत है ऐसे ही करके देखने की? अबे ओ पिटे आशिक, क्यों लंबी लंबी फेंक रहा है? डांट खा के आ रहे और उस्ताद को धूल चटा रहा है। अबे जब बस की नहीं है तो प्यार व्यार छोड़ दे। ऐसा मत बोल यार, तू ही तो मेरा सहारा है यार, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरी रिद्धि चली जाएगी यार मुझसे। अच्छा सुन, डोंट वरी, लड़की ना इतनी आसानी से नहीं पड़ती। अच्छा हिम्मत रख, हिम्मत। अबे हिम्मत मर्दा तो मदते खुदा, पहले मर्द तो बन जाने दे। मर्द तो हूँ मैं। एक काम कर, ये ले, अगर कुछ हो गया ना तो मेरी तरफ से वरमाला खरीद ले। ये सब छोड़ो यार, कपूर सर की क्लास का टाइम हो गया, लेट हो गया तो बाहर जाना पड़ेगा। सुना बहुत खड़ूस है, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। चलो 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 चलो
तू पूछ। डॉक्टर परेशान, आपने MBBS कहाँ से किया? हमारे साले साहब है ना, उनका कॉलेज है, वहीं से किया। तभी तो समझ गए, समझ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। यू डोंट नीड टू स्टैंड अप। इस क्लास में सारे लोग ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं। एज ग्रुप भी आप लोग की 25 ईयर्स से 75 ईयर्स तक रेंज करती है। एंड आई वोंट फील गुड अगर आप लोग खड़े हो। क्या बात? जस्ट अ फॉर्मल हाई विल आल्सो डू। लोगों ने खामखा यूं ही बदनाम कर रखा है। स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है। कितना कूल है। कितनी आराम से बात कर रहा भाई। वी स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। साउंड वेव्स व्हिच आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। दीस साउंड वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द वन वी कैन हियर। ओए नॉर्मल डायग्नोस्टिक पर्पस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कितना स्मार्ट है यार। दैट इज समवेयर अराउंड 3.5 मेगाहर्ट्ज़। बहुत ही हैंडसम है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा है, तेरे को भी कंपनी मिल गई। दोनों मिलकर टीचर टीचर खेल लो। कुछ भी बोलता है। अल्ट्रासाउंड में वी हैव साउंड वेव ऑफ हाई रेजोल्यूशन। यार रिद्धि के बगैर मन नहीं लग रहा है। रिद्धि उसका कौन सा लग रहा है तेरे बिना मन। जरा आना तुम तीनों के तीनों। आइए, जस्ट कम। बैंड बज गई भाई। अब क्या होगा यार? तो तुम लोग बड़े हसमुख टाइप के हो। हाँ, गुड थिंग। हाँ, नॉट अ बैड थिंग। पता है कॉलेज टाइम में मैं भी तुम लोग की तरह काफी चेयरफुल, हसमुख, इसी टाइप का था। सच्ची सर? अरे सर, मैं अभी हम वही बात करेंगे। यू आर सो कूल। वही बात कर रहे थे हम लोग। वही बात। बढ़िया, सही है सर। देयर इज अ सेइंग कि लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हां, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तभी तो सर हम हमेशा हंसते रहते सर। और हेल्थ इज वेल्थ। हां सर। तो इसलिए आई अप्रिशिएट दिस पार्ट। वाह, नाइस। पता है ना? हां, एकदम बड़े कूल है यार। एप्रन नहीं पहनी तुमने आज? सर वो ना, मैं सुबह ना वो मिसप्लेस हो गया सर, जब मैं आ रहा था। हाँ, थोड़ा सा फिर पहन के आता हूँ सर। वैसे सर, तो पहन के है मेरे पास, फिर पहन लूंगा। चलो, होता है कभी कभी। हाँ, चलता है। ठीक है, ठीक है, छोड़ो। और वैसे भी बॉडी मसल है ना। एप्रन में क्या मजा सर? वो मतलब कितने का फैशन चल रहा है आजकल? 6 था, फिर 8 हो गया था, आजकल 10 तो नहीं पहुंच गया? 10 है सर, 8 है, 8 ही है। 8 ही चल रहा है इसका। 8 है सर, देखिए। हाँ, 8 ही है। थोड़ा मुझको भी कुछ जुगाड़ बताओ। मतलब 8 10 नहीं, 4 साढ़े 4 तक। अरे क्या सर, 4.5 सर, आपके 6 तो आराम से बन जाएंगे। बनेंगे सर, 6 नहीं, 4.5 तो बहुत है। सर आप तो वैसे ही बहुत हैंडसम हो। आपके टाइम ही लगेगा, आप बहुत फिट हो सर, बहुत फिट हो। पहले नहीं यार, टाइम के साथ तो चलना ही चाहिए। वो तो है, वो तो है। कोई है जान पहचान का? अरे अरे सर, शंटी से बात करना। हाँ सर, आपको डिस्काउंट भी दिला देगा ये। बस से बात करना। क्लास के बाद करता हूँ। हाँ ये ठीक है। अच्छा, कितना परसेंट मिल जाएगा सर आपके? कैसी बात कर रहे हो सर, आपके लिए तो करवा दूंगा बढ़िया। मतलब अच्छा, तो क्लास के बाद चलते हैं सर। डन, ठीक, क्लास के बाद चलते हैं सर। बढ़िया, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत? हाँ चलेंगे, चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जो मैं गो राइट नाउ। या थैंक यू सो मच। अरे अरे, इधर नहीं, इधर नहीं, इस तरफ। किधर सर? इधर बाहर। बाहर बोल रहे हैं? इधर सर, इधर। एक हफ्ते तुम लोग इकट्ठे रहो, क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तीनों की अच्छी मसल्स होनी चाहिए। अरे दोनों को भी फिट करो यार। सर मुझे तो जरूरत भी नहीं सर। सॉरी सर यार। सर मुझे तो जरूरत भी नहीं सर। सर आई एम सॉरी सर, आई डिडंट मीन दैट। सर यू शुड गो विद टाइम। यस सर, टाइम के साथ चलना चाहिए। सॉरी सर, नहीं, वी रियली सॉरी सर। नहीं था, सॉरी सर। रास्ता इधर है, दरवाजा इधर है। ओ यार सर, लास्ट चांस सर। सर सर जा रहे हैं। सर जा रहे हैं। मरवा दिया तूने। अबे यार अब क्या? तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड थिंग टू बी कूल। व्हाई नॉट, वन शुड बी कूल, बट विद इन लिमिट्स। Misbehavior will not be tolerated. Yes. Okay, yes, sir. I hope you understand. Okay, sir. Haan. See you in the next class. Kham kha yun hi nahi kehte. Hai to khadoos hi.
May I come in, sir? Yeah, come in. May I sit, sir? Yeah. Thank you, sir. Sir, main Kanu. Sir, you're looking very handsome. Sir, aap bahut acche lag rahe hain. I have been teaching since last 15 years. Come to the point. ये कहने के लिए आई हैं आप? Sir, actually मेरे वो तीन friends जिनको आपने suspend किया था. उनकी सिफारिश करने आई हैं आप? Sir, actually वो लोग बहुत परेशान हैं. Exams भी आने वाले हैं. So please उन्हें माफ कर दो. क्यों माफ कर दूँ? वो exams में fail हो जाएंगे. अच्छा ना, fail हो जाएंगे तो. तुम एक अच्छी लड़की हो. कितनी कंसर्न्ड हो अपने फ्रेंड्स के लिए, लेकिन सोचिए हमारी कंट्री का. ऐसे गधे नालायक डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे, क्या होगा? मरेगा ना मरीज. सो यू मे गो नाउ. सर, पर मैंने शर्त लगाई है कि मैं आपको मना लूंगी. शर्त लगा ली? ओहो, शर्त लगा ली आपने तो. फिर तो आपका जीतना बनता है. एक शर्त आप मुझसे लगाएंगी? यस सर. अगर आप जीत गई तो मैं उनका सस्पेंशन वापस ले लूंगा. सच में सर? क्या आप इस खड़ूस प्रोफेसर को हंसा सकती हैं? दैट्स इट, बस हंसाना है. वो तो मैं आपको एक मिनट में हंसा दूंगी सर. ये मेरे लिए ना बहुत ही सिंपल टास्क है. सबसे पहले मैं आपको ना गुदगुदी करूंगी. सिरोन बड़ो गुदे गो. सर, मैं कुछ और सोचती हूँ. लास्ट चांस. सर, आपने रामायण तो देखी होगी ना? देखिए, बचपन. उसमें सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी भी देखे होंगे. पता है. और हनुमान जी से तो ना सब डरते हैं, तो वो तो आपने पक्का ही देखा होगा. गो अहेड. सर, अगर आपने सस्पेंशन कैंसिल नहीं किया तो मैं हनुमान का रूप धारण कर लूंगी. अच्छा, डर गया मैं? चलो बैठो बैठो. डॉक्टर हो ना तुम? फिफ्थ क्लास की स्टूडेंट नहीं. सर, आपको हंसी आती भी है? नहीं नहीं आती, बताया था ना. अगर आपकी जगह कोई और होता ना. कोई और होता तो क्या कर लेती हैं आप? अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं. सर, मैं शर्त हार गई. चलती हूँ सर. कनु, कम बैक, बैठो. यस सर. तुम शर्त जीत गई. सच में सर? ओह माय गॉड सर, यस. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. सर, पर मैंने तो आपको हंसाया ही नहीं. नहीं हंसाया, लेकिन आज पहली बार किसी ने डॉक्टर कपूर को चाकू दिखाया. चाकू? इतना तो बनता ही. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर, यू आर रियली हैंडसम. आप ना बहुत स्वीट हो सर, बहुत स्वीट हो सर आप. थैंक यू सो मच. चीयर्स. की है कि खाली हो गई बोतल? वाह, थोड़ी और मंगवा लो. वाह वाह, देवदास की फीलिंग आई. ओहो, पारो को बुलवा लो. आ गई आ गई. कौन? पारो. मुझे तो कहा था कहीं और मिलेगी. नाइट ने शीले आज भूज मंगवा लो, मैंने है पीले आज मुझको संभालो. ये नाइट ने शीले आज भूज मंगवा लो, मैंने है पीले आज मुझको संभालो. ये भुला दो मुझे उससे मिला दो. आज नाइट है नशीली थोड़ी पार्टी करवा दो.
तुमको भुला दो, मुझे उससे मिला दो, आज नाइट है नशीली थोड़ी पार्टी करवा दो. Yeah, this party won't stop. Make the beat drop. Make the beat drop. आज मुझे को संभालो. Yeah, this party won't stop. Make the beat drop. Make the beat drop. आज मुझे को संभालो. मौका मिला है आज बड़े दिनों के बाद. जितनी पिलानी है उतनी पिला दो. काश होती तू साथ और वो ही होती रात. फिर से तू कहती अब मुझको पटा लो. तुमको भुला दो, मुझे उससे मिला दो, आज नाइट है नशीली थोड़ी पार्टी करवा दो. तुमको भुला दो, मुझे उससे मिला दो, आज नाइट है नशीली थोड़ी पार्टी करवा दो. Party won't stop. Make the beat drop. Make the beat drop. Aaj mujhe ko sambhalo. Yeah, this party won't stop. Make the beat drop. Make the beat drop. Aaj mujhe ko sambhalo. JD में थोड़ा सोडा डाल दे, एक मचता है कैसे फिर यहाँ बवाल. जिसको भी देखो लगे मुझे सारी कमाल. इससे भी ज्यादा क्या होगा मेरा बुरा हाल शाल. तो बता दीजा लगे कमाल की तू तेरी अदाएं. मैंने सुना बेमिसाल थी जवाब भी तेरी इस जवानी का. मुझे हैरानी ना करती तू शैतानियां. तुमको भुला दो, मुझे उससे मिला दो, आज नाइट है नशीली थोड़ी पार्टी करवा दो. तुमको भुला दो, मुझे उससे मिला दो, आज नाइट है नशीली थोड़ी पार्टी करवा दो. Yeah, this party won't stop. Make the beat drop. Make the beat drop. आज मुझे को संभालो. Yeah, this party won't stop. Make the beat drop. Make the beat drop. आज मुझे को संभालो. बात ये कि प्रपोज के नाम से मेरी थोड़ी फट जाती है यार. फट्टू फटती क्यों है तेरी? तेरा भाई तेरे साथ है. पक्का? मुझे 15 मिनट दे दे. 15 मिनट के बाद रूम में आ जा, मैं तैयार मिलूंगा. लगता है खाने वाला आ गया. आ रही हूँ भैया. भैया इतनी जल्दी आ गए? भैया भैया नहीं सैया. हाँ वो क्या होगा, वो कैंटीन बंद है ना. मैंने सोचा तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ. मैंने तो 5 मिनट पहले अभी कैंटीन से ऑर्डर किया है. तुमको क्या लगता है ये फैंसी कपड़े और ये नए नाटक से मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? अच्छा ड्रेस के बाद छोड़ देते, केक की बात करते हैं. केक जो है ना हेल्दी है, शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वेजिटेरियन है. और आज से मैं भी तुम्हारे लिए वेजिटेरियन बन गया हूँ रिद्धि. हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. नाउ यू एंड योर केक गेट लॉस्ट. रिद्धि ऐसा क्यों कर रही हो? केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? केक बहुत महंगा है, बहुत टेस्टी भी है. हाँ चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट्स है, एक बार चख तो लो ना. बस जयेश तुम यहाँ से जा रहे हो कि मैं मैनेजमेंट को बुलाऊं? मैनेजमेंट को मत बुलाना, पिछली बार की तो उल्टा टांग देंगे मुझे. मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मगर मेरा प्यार तो सच्चा है ना. मैं ये केक वापस नहीं ले जा सकता. गेट लॉस्ट अदरवाइज आई विल पर्सनली स्क्रू योर हैप्पीनेस. क्या हुआ? अरे हाँ क्या हुआ? अब मैंने उसे केक दे दिया, उसने केक ले लिया. अबे ओ फेकू, ध्यान से देख गेट के बाहर पड़ा हुआ है. हाँ देख. ये
अब क्या करूं यार? चला लेकर आए। नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं लगेगा यार। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तूने ही तो कहा चॉकलेट केक है, ड्राई फ्रूट वाला, बहुत अच्छा लगेगा। अबे यार मैं केक की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसे नहीं अच्छा लगेगा और मेरा स्कोप खत्म हो जाएगा यार। तुझे अभी भी लगता है कि तेरा स्कोप है? हाँ हाँ, मतलब बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए ना। तो एक काम कर फिर, तू अपनी पॉजिटिविटी यहाँ रख, मैं चला केक लेने। अबे रुक ना मेरी जान। तू जेब में दूँ अगर? अच्छा ठीक है, ओके ओके। देख तू मेरा दोस्त है, लव गुरु है, ये आइडिया वर्क नहीं हुआ, दूसरा कोई अच्छा आइडिया देना जिसे तुझे आइडिया चाहिए। आइडिया चाहिए तो जब मैं चॉकलेट वेज ये ड्राई फ्रूट वाला केक खाता हूँ ना, तो मेरे अंदर से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकलते हैं। मतलब ये लाना पड़ेगा? अगर आइडिया चाहिए तो केक लाना पड़ेगा। जा 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 जा। चल 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 चल, अबे जाना जा जा। मरा जा। अबे खाता क्यों नहीं कुछ? पीला हो गया, पीला तू? पीला तो ये प्यार में हो गया डॉक्टर साहब। मुझे तो घड़ी घड़ी प्यार हो जाता है, मैं नीला हो जाऊं? गुरु जी एक बात बताइए, आप किसी एक छाया में क्यों नहीं रुकते हैं? लाइफ में कोई ऐसी छांव मिली ही नहीं जहां रुका जाए। क्यों भाई साहब, कभी कभी परमानेंट छांव भी ना गर्म हवा देने लगती है। जब बोलता है निगेटिव ही बोलता है, देखो उसका। तू भी ना। गुरु जी ये बताइए, गाँव में लड़की कैसे पटाते है? गाँव या छोटे शहरों में ज्यादातर देखा गया है कि 50% जो चांसेस है वर्क करेगा गन्ना। गन्ना? 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 हाँ, गन्ना। जोरा जोरी गन्ने के खेत में। गन्ने का रस। सही पकड़ी हो, गन्ने का रस। 50% काम वो कर देगा, बशर्ते कि लड़की को डायबिटीज नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, सही पकड़े। गन्ने के रस में वो ताकत है, वो मिठास है ना, लड़की पीते ही मुस्कुरा देती। और तुम समझो गुरु, 100,000 crore $1,000,000,000 का सौदा ना 10.5 रुपए में कर लिया। लेकिन गुरुजी बाकी का 50% कैसे? बाकी का 50% भी आगे करेगा गन्ना। अन्ना? अभी अन्ना कहाँ से आ गया? अन्ना कहाँ ला रहे हो? गन्ना बोला, 50% गन्ना ही करेगा। बाकी का 50% तो पक्का गन्ने खेत में। क्यों गुरुजी? गन्ने का रस गुरुजी। हाँ गन्ने का रस। अब जो लड़की तुम्हारे साथ खेत में आएगी, गन्ने के खेत में आए ना, गन्ने के खेत में? नहीं नहीं नहीं, गन्ने के खेत में क्यों आएगी यार, उस दुकान में तो आएगी ना जहाँ गन्ने का रस पिएगी। तो उसके साथ उसकी सहेली भी होगी, 10.5 रुपए का खर्चा वहाँ। लेकिन तुम्हारा एम क्या होना चाहिए? जैसे मेन टारगेट ये है, इसको ऑफ टारगेट कर दो, फोकस में लड़की की सहेली की ओर रखो। गुरु जी हाथ तो मिलाइए, आपने तो मेरी जिंदगी बना दी गुरुजी, जिंदगी बना दी। ये 75% पे मैं खुश हो गया। बस बाकी का 25% तो पक्का गन्ने खेत में। कुछ तो ऊपर वाले के लिए छोड़ दे। तो सिर्फ गन्ना और गन्ने का रस। रस। अब तो लड़कियां गन्ने के रस के साथ साथ बनाना शेक मांगने लगी हैं। अरे तू जब भी बोलेगा ना आना ना बनाना ही बोलेगा, क्वालिटी पे मत जा, क्वांटिटी को देख। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आपको पता है मैं आपकी वजह से ना शर जीत गई। ओह सर, कल्पना मैम और आपकी कॉफी रेडी है, लेकिन वो किसी वजह से चली गई है। ओके नो प्रॉब्लम। सो लाइक टू कम फॉर कॉफी? सर हाउ कैन आई से नो? फाइन कम। नाइस कॉफी सर, वेरी गुड। अच्छी है? बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैंने नहीं बनाई, हमारे कैफेटेरिया में बनी है।
बता देंगे, लेकिन कन्नू को कॉफी अच्छी लगी, हो सकता कल तक तुम्हें बुके भी मिल जाए। सर आप कभी कोई जवाब सीधा भी देते हैं? मैं उल्टा पैदा हुआ था। अच्छा सर, वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। सर आप अपने कॉलेज टाइम में काफी पॉपुलर रहे होंगे। दादागिरी में? नहीं सर, मेरा मतलब है आपके पीछे काफी लड़कियां घूमी होंगी। जो इंसान इतने उल्टे जवाब दे उसके पीछे लड़कियां लगी होंगी। लेकिन सर कुछ लड़कियां भी तो उल्टी पैदा होती है ना? होती होंगी, नहीं टकराए मेरे साथ लेकिन। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पीछे तो काफी लड़के लगे होंगे। यस सर, काफी। कुछ प्रपोजल भी आए होंगे? सर ये बात मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मेरे पास कम से कम 200 प्रपोजल्स आए थे। 200? हाँ। ये फट्टे मारने की कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली थी या बाय बर्थ है? इस टाइप की फीमेल्स जिनके पीछे इतने लड़के लगे हों उनका एक नाम होता है बॉलीवुड में, गेस करो, गेस करो। हीरोइन? अरे नहीं, चलो एक हिंट देता हूं मैं तुम्हें। हमारी ड्रेस से मिलता जुलता। ड्रेस से? स्टाइलिश? अरे नहीं, पास आओ। ऐसी फीमेल्स जो इतने लड़कों का ट्रैक करती हैं उनको हमारे बॉलीवुड में कहते हैं कलमुही। बुरा लग गया। मुझे क्यों बुरा लगेगा सर? अच्छा लेकिन सर आपकी बात को सोचकर मेरे दिमाग में एक सजेशन आया। सजेशन? बताओ। सर यू हैव गॉट वेरी टफ लुक्स अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। होनी चाहिए। लेकिन सर मैंने अक्सर आपको कल्पना मैम के साथ कॉफी पीते हुए देखा है, जो आज लकीली मेरे पेट में चली गई। नहीं पीनी चाहिए। कहीं से कुछ जलने की स्मेल आ रही है। सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन सर मुझे पता है आपका कल्पना मैम में ना कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सर दुनिया तो बात बनाती है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपकी चिंता तो होगी ना। अच्छा कि कहीं बॉलीवुड मूवीज में मेरे जैसा नाम आपका ना हो जाए। कलमुही? कलमुही नहीं सर, आपको तो लोग कल मुहा कहेंगे। स्मार्ट लड़की हो तुम, किस रास्ते से आई थी? वहां से। वहीं से जाइएगा। ओके सर बाय, सी यू इन पिकनिक। या अब शुरू करेंगे हम एक गेम जिसका नाम है पासिंग द पार्सल। जिसके पास पार्सल रहेगा उसको एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आ जाइए, कम ऑन कम ऑन पांडे जी। परेशान पांडे जी के लिए टास्क बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक गाना प्ले करेंगे और इनको डांस करना होगा। डॉक्टर कपूर का टास्क ये है कि वो किसी एक लड़की के साथ कोई पर्सनल टॉपिक पे बात करेंगे। ये इमेजिन करेंगे कि वो लड़की मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं। अगर कोई लड़की चाहे तो वॉलंटियर कर सकती है। मैं आऊंगी, मैं। हाँ कनु सुना, तुम मैरिड हो? हाँ सर मैं मैरिड हूँ। और कुछ बच्चे भी हैं तुम्हारे? कुछ नहीं सर, सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन। वन? ओनली वन चाइल्ड? व्हाई ओनली वन चाइल्ड? कहीं
प्रोडक्शन कंपनी में कोई कमजोरी तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं एक भारतीय नारी हूँ जिनकी प्रोडक्शन कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। मतलब मैं दूसरे की उम्मीद रखूँ? नहीं सर, ये महंगाई का जमाना जहाँ लाखों की डोनेशन, दूसरा बच्चा कहाँ से आएगा? डोनेशन? वो भी तुम्हारे बच्चे। क्या करे सर, जिसका पति 12वीं पास हो, फटीचर हो, उसके बच्चे या उसकी प्रोडक्शन में ही झोल है। फटीचर पति, सो सर। लेकिन अगर आप जैसा प्रोफेसर हो, इंटेलिजेंट हो, तो बच्चे, न्यूटन, आर्यभट्ट, सबकी लाइन ही लग जानी है सर। मतलब मुझे बैंक खोल लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कपूर डोनर बैंक। वाह सर वाह, क्या उच्च विचार है आपके। जयेश को हम कुछ फिल्मों के क्लू देंगे और जयेश को गेस करना होगा उनका नाम। फिल्मों का नाम तो मेरे लिए बहुत आसान है, तुम्हें पता है एवरी फ्राइडे मैं टिफिन लेके जाता हूँ और सारी फिल्में देख कर ही आता हूँ। देखेंगे जयेश। पूछ लो भाई, जो पूछना है पूछ लो। सो फर्स्ट मूवी है ये तो बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो पहला क्लू है कि ये मूवी वुमन ओरिएंटेड है। इस मूवी की हीरोइन कभी यहाँ जाती है कभी वहाँ जाती है। इस फिल्म की हीरोइन प्रेग्नेंट होती है। लड़की अकेली है, कभी यहाँ जाती है बोल ना, कभी वहाँ जाती है। और अब क्या तुम अपना दिमाग लगा रहे हो भाई? इस पिक्चर की एडवांस बुकिंग कर रखी थी मैंने। जवानी की कसम। क्या है? जवानी की कसम नहीं, कहानी। हाँ। तुमसे नहीं होगा जयेश। रिद्धि यार, लेकिन ये जवानी की कसम में भी तो यही होता है, लड़की अकेली होती है। और ये हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, इस मूवी में घाघरे को बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस फिल्म में घाघरे को लेके हीरोइन बड़ी डिप्रेस थी यार। घाघरे वाली फिल्म तो मैंने ना 6-7 देखी। ओके आगे आगे। हीरो हीरोइन के घर चला जाता है उस घाघरे के चक्कर। सोच इजी है यार जयेश। अरे ये फिल्म तो मैंने लगातार एक बार देखी लगातार। आगे आज घाघरे में धूमधाम। कन्नू को ये टास्क मिलता है कि उसे यहाँ बैठे किसी भी एक पर्सन को प्रपोज करना है। मैं करूँगी कपूर सर को प्रपोज। आइए सर, आइए। सर योहान, सर आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ये क्या बोल रही है भाई? मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या? Till my last breath. सर कुछ तो बोलिए। तुम्हें पता है कि मैं मैरिड हूँ? And I have to take permission of my wife. आखिर पतिदान तो वो ही करेगी। Oh, emergency. Okay, fine, I'm coming. Sorry, Kanu, I have to rush back. Ek emergency hai. Guys? No, sir, please mat jaiye na. You all carry on. Bye, sir, this is not fair, sir. Very, very sir, please, sir. Come on, see you. Bye. Sir, kati, sir. Chalo, chalo, udhar chalte hain. Rock ko parvat karenge. पिछले 6 अक्टूबर से मेरे साथ हो रहा है कि मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तो कहाँ से आती है? कहीं और से आती है। पर ये सब बहाने हैं गुरुजी आपके, ये सब बहाने हैं। आप एक तो लेट आए हो, पार्टी का सारा मजा किरकिरा कर दिया, अब आपको भी लेटना पड़ेगा। गुरुजी को ऐसा टास्क दो ना कि इम्पॉसिबल हो। ऐसा कोई टास्क है ही नहीं जो गुरुजी ना कर सके। अरे टास्क तो बताओ। मैं ढूंढती हूँ टास्क। नहीं
गेट आस्क्ड वो टकला उसके पास आपको जाना है और उसी खोपड़िया में बाल उगा देने उसकी खोपड़िया पे चमाट मारना है गुरुजी मैं मारूंगा वो मार खा लेना इम्पॉसिबल लगाई शर्त लगा ले शर्त 500 रुपए की 500 रुपए में तो किसी के घर में घुस के मैं अचार ना खाऊं अरे नहीं नहीं जीतना तो मुझे ही है 500 क्या 5000 की लगाओ चल लगाई शर्त क्या बोला 5000 गुरुजी 5000 ला दे जुबान 5000 में कितने जीरो होते हैं मालूम है 3 चल ठीक है बेबी टोपी ना लाया मैं आज अपनी मेरे भाई कैसा है तू कहाँ है तू मम्मी से पूछा व्हाट्सएप फेसबुक तेरा कुछ पता नहीं है तेरा यार चौकस रे कौन चौकस चौकस तूने दारू पी रखी है क्या मैं कभी शराब नहीं पीता कितना झूठ बोल रहा है सम सर चौकस शराब कैसे नहीं पी सकता ये सचमुच चौकस नहीं है तू चौकस नहीं है सेम टू सेम चौकस लगता है भाभी जी आप एक फोटो खींचो इनके साथ चौकस को दिखाऊंगा चौकस जरा मुस्कुराना और मुस्कुराते थे यार आई मीन बंसी थैंक यू भाभी जी सॉरी यार आप एकदम चौकस जैसे लग रहे थे आप लोग बैठो आप बैठो यार सी नाउ ये क्या है क्या ये 20 रुपए और बाकी 4980 कब देगा पूछो कब देगा बे अभी दे देता हूँ एटीएम से निकाल एटीएम से बोल रहा है एटीएम से मैं हूँ ना हाँ कर कैसे लेते हो यार आप ये सब मैं ऐसा करता हूँ कि एक चुटकी बजाता हूँ ओए एक चुटकी दोबारा बजा दो ना एक बार और इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता अभी हूँ मेरे हीरो को ना चैलेंज मत कर कोई चैलेंज दे दिया हुआ तो डबल डबल कितना बे 5 का 10, 10,000 देगा पैसे मैं हूँ ना इसी बात का तो डर है चौकस आ जा बेटा 5000 और कमाए तुम कभी भी मेरे लिए फूल नहीं लाते चाहो ना कल तो गोभी का फूल तेल ले भूल गई के हैं चौकस रिट्रेड क्यों मार रहा है भाई मैं जान गया कि तू मुझे क्यों नहीं पहचान रहा क्योंकि तूने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे अगर तूने मुझे पहचान लिया तो 10,000 तुम्हें वापस करने पड़ेगा चौकस सच बोल कौन चौकस है कैसा चौकस मैंने नहीं लिया किसी से 10,000 रुपए उधारे 10,000 के लिए झूठ बोल रहा है दोस्ती पे कलंक लगा रहा है तू कौन है ये चौकस अरे मैं समझ गया कि तू मुझे क्यों नहीं पहचान रहा ये जो कटपीस लेकर घूम रहा है ना तू मुझे लग रहा है कि मैं भाभी को बता दूंगा इसलिए नहीं पहचान रहा ना तू मैं बता रहा हूँ इससे आप अलग हट जाओ ये दोगला टाइप का आदमी है ये अरे भाई साहब 10 साल से मैं ही इनकी बीवी हूँ और इनका नाम चौकस नहीं है हट रे मार क्यों रहा बार बार 10 साल पहले शादी की बताया भी नहीं पकड़ भाभी जी के साथ एक फोटो खींच दे चौकस को थैंक यू चौकस अब बैठो 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 चल पैसे निकाल दे दूंगा ना एटीएम से निकाल के एटीएम से कब देगा अभी दे दूंगा 2 घंटे में 2 घंटे बोल रहा है यार मैं हूँ ना अच्छा सुन तो डर है। मैं तेरे 15,000 निकलवा सकती हूँ कैसे से अगर गुरुजी तीसरी बार चुटकी और बचाए क्या बोल रही हो तुम सोच के बोलो अरे गुरुजी सोच लिया है तीसरी बार चुटकी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता पॉसिबल है सब पॉसिबल है नहीं इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल उनके लिए सब पॉसिबल है भाई उनके लिए इम्पॉसिबल है बे गुरुजी ने अगर इस बार चुटकी बजाई तो इस बार अरे भाई दो कप चाय मिलेगी के मिलेगी बेटा बैठो तेरी की तो तू यहाँ बैठा कमीने तेरे चक्कर में 2 बार एक आदमी को मार चुका हूँ मैं फोटो खिंचवाया तेरे सेम तेरे जैसा दिखता है वो ये देख उसकी बीवी रहने दे बोल रही थी मैंने ले ली उसकी अरे भाई यो बेचारा तो मैं ही हूँ आपने पहले भी 2 बार मुझे मार चुके हो और तीसरी बार अब मारा है और यहाँ अपनी बीवी के लिए चाय लेने के लिए आया था अरे यार देख रहा जरा आंखों में तो कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं तेरी आंख में फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ आप बैठो चलो चाय तो मैं ले लूंगा आप यहाँ से प्लीज चले जाओ सॉरी यार जाओ भाई साहब यहाँ से अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ अब नहीं आऊंगा कभी नहीं आऊंगा कहाँ गए शेर जमीन काट रहे हैं
बताओ अब एम्बुलेंस का खर्चा अलग? मैं हूँ ना। अरे यार मैं कह रही हूँ ना तेरा काम हो जाएगा, क्यों बार बार कॉल कर रहा है, तेरी भैंस की पूछ। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। सॉरी सर। मन अर्जियां सी करे हैं, दिल अर्जियां सी करे हैं, पिघला मुझे भर ले कभी तो खुद में। यूं सोचो मैं तेरी शिरकत, मीठी है दिल को ये आफत, आवाज तेरी बन सांस गूंजे मुझ में। मेरे सलसल संग में बिताए हुए पल, आधा सा किस्सा था मेरा तुझ पे हुआ मुकम्मल, ख्यालों में है मुसलसल संग में बिताए हुए पल। मसरूफ रहता हूँ तुझ में, महफूज रहता हूँ तुझ में, हर राह मेरी हर चाह जुड़ी है तुझसे। तेरे लिए के दिल में तेरे आने से लगे हैं खुलती सुबह है मुझ में। सहमी सहमी सी शामें रहती थी दब के दिल में, तेरे आने से लगे हैं खुलती सुबह है मुझ में। हर सुकोना मैं चाहूँ बस तू होना मैं चाहूँ, तेरे साथ साथ तेरे आस पास साया बना हूँ मैं। मन अर्जियां सी करे है, दिल अर्जियां सी करे है, पिघला मुझे भर ले कभी तो खुद में। सपना था। अरे
आइडिया। अबे जल्दी कटवाओ, भूख लगी है यार। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Thank you. Thank you. Sir, happy birthday. ये पता है ये केक और ये सारा चीज ये किसने करा है? आह। ओह, कनु। कनु ने। Happy birthday, sir. चलो आज केक तुम मेरे साथ कटवाओ, ठीक है? चलो। अरे सर ये कैंडल तो जलाइए। ओ कोई नहीं, अभी लाइट लगी है। ये क्या? ये क्या? नहीं नहीं सर, नो नो सर, अपनी कैंडल रुकिए सर, मैं जलाती हूँ, मेरे पास माचिस है। तुम भी सिगरेट पीती हो? नहीं सर, मैं बीड़ी पीती हूँ। अरे सर आप केक काट लीजिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वैसे फ्लेवर कौन सा? सबसे पहले श्योर श्योर वन ऑट कनु, तुम्हें एहसास भी है कि ये केक तुम्हें कहाँ ले जाएगा? सर मैरिड है और अगर कुछ उल्टा हो गया तो? लेकिन मैं कौन सा सर के साथ भाग रही हूँ? और जिंदगी में इतना सोचोगी तो जिंदगी बिना जिए ही निकल जाएगी। डोंट वरी कनु, यू आर राइट, जस्ट गो विद द फ्लो। कनु जो एक बार हुआ जरूरी तो नहीं दोबारा हो, प्यार एक बार हुआ जरूरी तो नहीं दोबारा ना हो। सब मुझे लगता है आप हमेशा मेरे आसपास रहते हो। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अकेली तुम हो जिसने मुझे हंसाया, बट एट द सेम टाइम I love my wife a lot. मैं उसे धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। मैं भी किसी से बहुत प्यार करती हूँ, but फिर भी I want you around me. ऐसा क्यों हो रहा है? किसे? वो कौन है? My husband. What? Are you married? Yes, sir. I'm married. खामखाई सब अरमां मेरे जगने लगे हैं क्यों, बहकी बहकी सी सांसों को पर लगने लगे हैं क्यों, बेहोश से सब रास्ते बेपरवाह हूँ मैं यहाँ, लम्हे सभी तेरे रंगों से रंगने लगे हैं क्यों, ना ही तू जाने ना ही
ठेर उठे से थे हर शब मेरे बासी बासी सी थे मेरी सुबह तुझको पाने से ही पूरा हुआ हूँ खाली खाली था जो मेरा जहाँ समखा लगे हर बात से जो तुझसे ना हो जुड़ी खमखा लगे मेरी हर खुशी बेवजह बेमतलबी खमखा ही है हो ना मेरा होना ना हो जो तेरा बस तेरा ही हो के लगे हो खमखा नहीं ना ही तू जाने ना ही मैं जानूं खोए खोए से दिन रात रहते हैं क्यों है ये कैसी खलिश है ये कैसी खता हर सुहद को तेरी आरज़ू आ जा मैं ले लूं ऐसे तेरी बलाए तकलीफें तेरी राहत मेरी खमखा ही है शोबत मेरी जो तेरी ना हो सकी खमखा ही है आहे भी जो तुझ तक ना हो गई खमखा ही है होना मेरा होना ना हो जो तेरा बस तेरा ही हो के लगे वो खमखा नहीं अरे ये सब छोड़ो नहीं देखो पांच दिन से टॉयलेट में आसन जमा के बैठे हैं अरे अब बड़े हो आ जाएं अरे सुनिए टॉयलेट में क्या पतली कड़क बकरी चाय यार तो निकलता होगा अरे रहने दो मजा आने लग गया इनको आप देख लो भाई साहब आइए क्या खाया था कॉन्फिडेंस की चार गोली खाई थी क्या हाँ अरे भाई क्यों क्या हुआ ये एग्जाम की टेंशन तो मेरी जान ले लेगी आप टेंशन क्यों ले रहे हो हम सब दोस्त हैं आपके साथ दोस्त अबे भतीजी समझ के कंसल्ट कर लो कुछ हम सब कम थोड़ी हैं अरे आप घबरा क्यों रहे हो जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो सारे हम अभी पूछ लेते हैं आपसे हाँ वो रिवीजन हो जाएगी सिंपल सी बात है डॉपलर में कितने कलर होते हैं समझ गया? अच्छा ये बताओ अल्ट्रासाउंड मशीन में एयर कैसे चेक करते हैं मशीन देखी समझ गया एक साल और लगेगा ओहो आप निराश ना हो ये डॉक्टर बेटा छोड़ दो आपके बस का है नहीं आप एक्टिंग लाइन में ट्राई करो अब देखो वैसे अनुपम खेर साहब चले गए पॉलिटिक्स में उनकी जगह खाली है उधर चिपका देता हूँ अपना दोस्त है वहाँ पे क्यों किसी को बर्बाद कर रहा है यार ये बंदा बाजीराव मस्तानी में एक्टिंग करेगा ना तो 40 साल लगेंगे पिक्चर बनने में चार जनरेशन घोड़े का खप जाएगा मम्मी पापा दादा सब डायरेक्टर की तो सोचो मन कुछ नहीं है तेरा भाई लाइफ में समझ गया अब क्या समझ गया मैं किसी काम का नहीं अबे यार पानी बहुत जल्दी चला जाता है यहाँ ओए निकल गई क्या है अरे वो फिर चले गए टॉयलेट में अब मैं कहाँ जाऊँ तू खेत पकड़ ले भाई गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर बैठो सर आपने बुलाया था सर हाँ एक अल्ट्रासाउंड के प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था मैंने तुम्हें मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तुम करो थैंक यू सर साथ में किसी और स्टूडेंट को ले लो जो मुझे कन्नू शी इज योर फ्रेंड आई थिंक जी सर वैसे आजकल वो आ नहीं रही इज शी वेल सर एक्चुअली आई एम सॉरी मुझे भी पता नहीं सर मैं एक काम करता हूँ मैं उसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ
और बोल भी देता हूँ कि आप नथिंग लाइक दैट जस्ट रिलैक्स थैंक यू फॉर द प्रोजेक्ट सर ओके फाइन यू मे गो थैंक यू सर ओहो कोई तो कैब आए कन्नू तुम यहाँ यस सर वेटिंग फॉर द कैब आंटी के घर जाना है आंटी क्या ओ मैं किसी स्टाफ को भेज देता हूँ तुम्हारी हेल्प कर देगा कैब लोकेट करने में So why don't you drop me? मैं? Come. Thank you, sir. वैसे सर आपको देख के लगता है कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे ना कैसे लगा मुझे सब पता चल जाता है सर समझ गया क्या हो सकता है तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हो ओवर एस्टिमेट सर अगर मैं अपने आप को सही एस्टिमेट कर रही हूँ तो आप मुझे सीधा कॉफी पीने ले जाएंगे और अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे आंटी के घर ड्रॉप कर दीजिएगा आई वोंट माइंड ओके लेट्स सी वाओ सर दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग क्यों नींद मेरी ख्वाबों का तेरे ढूंढे है निशान क्यों ना समझ से है फासले आंखों में बेवजह सांसें क्यों यादों की दिल में चुभती है यहाँ बुनती है बीते कल की क्यों ये परछाइयाँ तुझी में घुलना बस यूं मैं चाहूँ ऐसे ले बना तेरे बिना हूँ जो मैं तो फिर भी क्यों दे बता चुभती है यहाँ बुनती है बीते कल की क्यों ये परछाइयाँ तुझी में घुलना बस यूं मैं चाहूँ ऐसे ले बना तेरे बिना हूँ जो मैं तो फिर भी क्यों दे बता ढकते हैं अब मुझे धुंधला या सा है समा फकत तेरे ख्यालों की अब धूप सी खुले हो जाएगी ये पना सांसें क्यों यादों की दिल में चुभती है यहाँ बुनती है बीते कल की क्यों ये परछाइयाँ तुझी में घुलना बस यूं मैं चाहूँ ऐसे ले बना तेरे बिना हूँ जो मैं तो फिर भी क्यों दे बता अरे सर व्हाई हैव यू स्टॉप द कार वो देख हाँ कॉफी शॉप हाँ तो मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप मुझे मिस कर रहे थे ना चले सर एक्चुअली मैंने आपसे ना एक झूठ बोला था झूठ बोला मेरी ना कोई आंटी वांटी नहीं है ओ। ये सिर्फ एक बहाना था आपके साथ कॉफी पीने का ओ। तुमने सुना झूठ बोले कौवा काटे सर मेरा तो बस एक ही चीज का मानना है जिंदगी चार दिन की है
इसको जी लो इसके जाने से पहले। जस्ट अ सेकंड। हेलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आए हुए थे, कोई है साथ में। कौन? एक प्रॉपर्टी डीलर है। खैर छोड़ो, ये बताओ घर कब आ रहे हो? आ जाएंगे घर, शांति रखो, बाय। तो आपकी वाइफ का कॉल था? इंटेलिजेंट। मतलब आपकी वाइफ के हिसाब से मैं वो क्लाइंट हूँ जिसकी प्रॉपर्टी आप देखने आए हैं? लेकिन प्रेशियस प्रॉपर्टी। ओ, वैसे किसी ने अभी कहा था झूठ बोले कौवा काटे? कहा था और सही कहा था। अगर तुम कहो तो मैं अभी इसी वक्त अपनी वाइफ को फोन करके ये बता सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। सर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। चैलेंज मत दो मुझे, मैं बहुत सनकी आदमी। देखो सर, एक मिनट, मैं मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मैंने कुछ और भी कहा था। और भी कहा था? क्या था? जिंदगी 4 दिन की है, फिर जी लो इससे पहले ये चली जाए। यार इधर हम लोग हीरो लोग इधर अकेले डेट मार रहे हैं। सही है भाई, हरियाली ही हरियाली है। गाना अच्छा गा लेते हो। थैंक यू जी। फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? कर लेंगे। रोल करोगे? ओ शिट। कमिश्नर पुलिस, चल चल निकल 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 निकल। कूल डाउन। सही पुलिस कमिश्नर, क्या था ये? ये देखो, ये देखो, ये तो डॉक्टर आकाश कपूर लिखा है सर। यही कार्ड दिखाया था मैंने उनको, कहा जरूर था कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, मान गए। सर लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता ना कि आप डॉक्टर हो तो आपकी धुल की पिटाई होती। नहीं होती। वो कैसे? ये देखो, थप्पड़ क्यों मारा? सर आप ये थप्पड़ क्यों मारे जा रहे हैं? यही बताने के लिए, पहली बार जब ये हवा का झोंका तुम्हारे गालों के पास आया तो तुम उसे रोक नहीं पाई, लेकिन दूसरी बार तुमने रोक लिया। क्यों? क्योंकि पहली बार सब कुछ अचानक हुआ, जैसा कि उनके साथ भी हुआ। सर आपको जाने में बहुत टाइम लगेगा। हाय। हाय सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, आपको मेरी याद आई? क्यों नहीं आएगी? मैंने ना आपको बहुत मिस किया, अभी भी कर रही हूँ। सर आज इवनिंग में मिलते हैं ना? ठीक है, 5 बजे मिलते हैं फाउंटेन पार्क में। ठीक 5 बजे। पार्क में किससे मिलने की तैयारी हो रही थी? अरे वो है ना अपना प्रॉपर्टी डीलर, तो वहीं शाम को उसने कहा कि पार्क में मिल जाओ, तो वहाँ से वो मिले जाएगा अपने ऑफिस, वहीं जाना है। तो इसमें इतने अटक क्यों रहे हो? अटक रहे, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं इसलिए। ओ, डेट पे गर्लफ्रेंड भी है? जी हाँ। खैर मेरा वॉलेट जो है ना घर पे छोड़ आई हूँ, शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। जल्दी से क्रेडिट कार्ड्स लीजिए मैडम। थैंक यू। अच्छा सुनो, गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम मत गुजारना, घर टाइम से आना। अब तुम जॉब। तुम ना बहुत सुंदर लग रही हो आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुमको देख के एक शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद। सुनो, मैं प्यार करता हूँ सिर्फ एक से। एक जैसे कि तुम्हारी ये सुंदर सी नाक। अच्छा। और वो भी तुम जैसी नेक से, जैसे कि तुम और सिर्फ तुम। आगे की दो लाइन ध्यान से सुनना।
तुम किसी लंगर का प्रसाद नहीं जो कि बांट लूं हर एक से। अच्छा, I'm flattered. Oh, really? मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे शायर भी हैं। पता है, मैं तुमसे झूट नहीं बोल सकता। झूठ? ये मेरी ओरिजिनल शायरी नहीं है, वाइफ से ली थी। ओह, तो मतलब अब आपकी वाइफ ने आपको ये शायरी लिख के दी और कहा मेरे प्यारे हबी ये जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दो, उसे पसंद आएगा। वाइफ की भी ओरिजिनल नहीं है, वाइफ को उसके प्रेमी ने दी थी। वाओ सर, व्हाट अ मॉडर्न फैमिली। आपकी वाइफ का प्रेमी है फिर भी आप इतने कूल है, वाओ। ऐसी बात नहीं है। अच्छा? वाइफ तो फेसबुक से ब्लॉक करने जा रही थी, कह रही थी ये ऊट पटांग शायरियां लिखता है, तंग करता है, परेशान करता है। मैंने कहा प्यार ही तो करता है, छोड़ दिया उसे। और देखो काम आ गई ना, और तुम भी कितनी खुश हो गई। हाँ, वाह सर, कितने महान विचार हैं आपके। गुड, इस बात पे एक शेर और हो जाए। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुनो, फूल खिलना चाहते हैं पर कली खिलने नहीं देती। गर्लफ्रेंड यानी कि तुम मिलना चाहती हो पर मम्मी मिलने नहीं देती। सर, मैं आपकी ऐसी फटीचर शायरियां सुनने नहीं आई हूँ। फटीचर? ओ, अरे ये मेरी ओरिजिनल है। ओरिजिनल, ओरिजिनल, ये रही मेरी अपनी। सही कह रही हो तुम, फटीचर तो है। नाराज ना हो। अच्छा, एक ओरिजिनल चीज तुम्हें दिखाता हूँ। कॉलेज टाइम में मैं कैसा होता था, क्या हरकतें करता था। चलो, कम कम। अरे सर, वो उनका पर्सनल मैटर है, हम उधर क्यों जा रहे हैं। भाई साहब। कोई फर्क नहीं भाई साहब। सॉरी, घबराई नहीं, आपके साथ कुछ अपना सा लगा इसलिए यहां आ गए। भाई साहब, आपको देखकर ये तो लगता है कि आप लोग प्यार में काफी क्लोज हो, लेकिन ये भी लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई, और वैसे हम लोग की भी शादी नहीं हुई, लेकिन हमारा केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। मैं मैरिड हूँ, मेरी कोई और वाइफ है, और उससे मेरे रिलेशंस भी बुरे नहीं है। भाई साहब, हमारा भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही? वाओ, सेम टू सेम, क्या बात है। एक चीज बताइए भाई साहब, यहाँ कोई ठुल्ले तो नहीं आते? भाई साहब, ये पार्क बहुत सेफ है। सेफ? चलो। किन किन चीजों में सेफ है? अच्छा, अगर वैलेंटाइन्स डे पे यहाँ आए तो कोई दल वाले या सेना वाले तो नहीं आएंगे? भाई साहब, हम लोग प्यार करते हैं। ओ। और जो प्यार करते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं है। ओ, वा, 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 वा। ओ, प्यार करने वाले, क्या उच्च विचार है। अभी आपने बताया था कि आप मैरिड हो और आपकी कोई और वाइफ है, वाइफ के होते हुए जो रिलेशन है उसको आप प्यार कहेंगे? क्यों नहीं भाई साहब, ये कहाँ लिखा है कि प्यार सिर्फ एक से ही हो। ओह, भगवान श्री कृष्ण की कई रानियां नहीं थी क्या, उन्हें सबसे प्यार नहीं था? बात में तो दम है। अच्छा भाई साहब, चलते हैं। थैंक यू मैम, चलो बाय। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी। सब मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी भी हरकतें कर सकते हैं। अरे मैं इससे बहुत ज्यादा गंदी हरकतें कर सकता हूँ। जी। योर बिल मैम। थैंक यू। कॉफी वाज रियली गुड। यू आर वेलकम। सर, टुडे वाज अ वंडरफुल डे, आई एंजॉयड अ लॉट। सेम। हाँ बोलो आकाश। थोड़ी सी शुगर मिस कर दी आकाश। ओ, आई अंडरस्टैंड सर।
सर आई डोंट नो व्हाई आई एम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. तुमने ठीक ही कहा था. प्यार एक बार नहीं दोबारा भी हो सकता है. व्हाट आई लव यू सर. लव यू टू कन्नू. हाय. क्या हुआ प्रेरणा? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. डोंट डिस्टर्ब मी. आई थिंक आई नीड सम रेस्ट. फाइन. Come and meet me. Wow. Subha, subha. I'm coming. Hi, sir. हाँ, बैठो. क्या बात है सर? सर? कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेरणा को लेकर परेशान था. क्यों सर? पता नहीं कल रात से कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी. रात को मैंने कहा कैसी हो, कहने लग गई वैसी हूं. फिर मैंने कहा सुंदर लग रही हो, कहने लगी मैं और सुंदर. आज सुबह भी मैंने उससे कहा बाय, कहती है गुड बाय. सर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया क्या? अरे अरे मजाक कर रहा था. मजाक कर रहा था. मजाक मजाक कर रहा था. सर आपने तो मुझे डरा दिया था. अब देखो ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें बताया था वाइफ का एक बॉयफ्रेंड है. बॉयफ्रेंड क्या मतलब, जो उसके पीछे लगा रहता है. फिर उसी का एक लव मैसेज वो मेरे पास फॉरवर्ड कर रही थी. Just for fun. गलती से वो उसके कजिन के पास चला गया. कजिन? अब नेचुरली कोई भी फीमेल खराब तो फील करेगी ना. बस इतनी सी बात थी. मैंने सोचा थोड़ी तुम्हारी खिंचाई कर लूं. सर ये बहुत ही बेकार मजाक था. लेकिन ये पंगा था ना. इट्स नॉट अ बिग डील सर. She can handle this. Yes, definitely. सर चलिए ना, कहीं चलते हैं. चलो, कहाँ चलोगे? आप बताओ. Coffee? Idea. Sure. Very good idea. Come, let's go. Hi sir, I love you so much. I miss you so much sir. I cannot tell you how much I miss you right now. Good night sir. I love you. Bye.
गुड मॉर्निंग सर। बैठो। लैक्ट ऑफ वाटर। थैंक यू सर। कनु, देयर समथिंग सीरियस। माय वाइफ, शी नोज अबाउट अस। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर रुक गया मैं। आज मैं इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि माय वाइफ, शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। आकाश, मुझे छोड़ के मत जाना आकाश, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मत छोड़ के जाओ आकाश। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। नहीं मिलते हम लोग कुछ दिन, देखते हैं क्या नतीजा होता है। टफ है दोनों के लिए, लेकिन अभी कोई सलूशन नहीं है इसका। होप यू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ रवि बोलो। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मैम वो मुझे आपसे ये कहना था कि क्या हुआ, इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या रवि? नो मैम। डोंट हेजिटेट, बोलो। मैम आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगी? कम ऑन रवि, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? I like you. तो ये बोलने में इतनी confusion क्यों लगाई तुमने? Even I like you as a student. नहीं मैम, आप मेरी बात समझे नहीं। क्या मतलब? मैं ये कहना चाह रहा था कि I'm in love with you. What? Completely and madly with you. मैं हर पल आपको अपने आसपास महसूस करता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। Ravi, are you mad? मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती हूँ एंड दैट्स इट। मैम प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी कॉलेज के फर्स्ट डे से। बस आज हिम्मत कर पाया हूँ आपसे कहने की। आई लव यू सो मच। लगता है मुझे चलना चाहिए यहाँ से। मैम प्लीज। रवि तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। तुम जितना जल्दी समझ जाओगे रवि, उतनी तकलीफ कम होगी तुम्हें। गुड बाय। देखा मैंने, क्यों कर रहा है ये सब? क्या मिल रहा है ये सब करके तुझे? मैंने तुझे पहले भी कहा है, ट्रेन बस और शादीशुदा औरतों के पीछे मत भाग, कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तू खुद की फैमिली बसाने के चक्कर में दूसरी की फैमिली बर्बाद कर रहा है? इतना सेल्फिश कब से हो गया तू? दोस्त है इसलिए एक बात कहूंगा, परछाइयों के पीछे मत भाग, कभी हाथ नहीं आती वो। बाकी तू खुद समझदार है, चलता हूं। दुखी आत्माओं का सम्मेलन। अबे दुखी किसको बोल रहा है बे? दुखी होगा तेरा बाप। बैठ जा मेरे शेर।
56 इंच का सीना देख के डर गए हम तो भाई, डर गए भाई। अरे मुंडियो ये सारी टेंशन छोड़ो, आज पता है लेटेस्ट न्यूज़, डॉक्टर कपूर की क्लास लेने आ रहे हैं एंटरटेनमेंट का डोज लेके, रोमांटिक शौकीन लाल यादव। क्या बात है लड़कियों, बी रेडी। हाय हाय, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 होले होले। और कुछ काम नहीं है आपको? है काम तो है, काम ही तो कर रहा हूँ, क्लास में जा रहा हूँ। अरे फिर अब वो ठरकी आने वाला, फिर वही लड़की बाजी बकवास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, आप सब तो बड़े बड़े बापों की बड़ी औलादे हैं, आप क्यों गुड मॉर्निंग बोलेंगे? आपको टीचर की नहीं, टीचर को आपकी जरूरत है, आप क्यों गुड मॉर्निंग बोलेंगे? मॉर्निंग ऑलरेडी इतनी गुड है सर, बोल कर क्या करना है। खड़े हो जाओ। क्या हाइट क्या है तुम्हारी? 6'2" तो होगी? नहीं सर, 6 feet है। तो बेटा सिर्फ खा गए, वरना तुम्हारी नाइटें भी गुड होती। नाइटें तो बहुत बढ़िया जाती है, अपना देख। ये इतनी बॉडी वॉडी कहाँ बनाई है तुमने? सर जिम जाता हूँ। डॉक्टरी कर रहे हो और जिम जाते हो? बिल्कुल सर। जिम में खाली बाहर की बॉडी बनती है, अंदर की नहीं। डॉक्टर हो, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। पता है ना सर? पता है, पूछो कुछ। श्योर सर, पूछ लो। अल्ट्रासाउंड के बारे में जानते हो? सर उसी की क्लास है, किसको नहीं पता। तो ये बताओ कि इस पूरी दुनिया में बोलो अल्ट्रासाउंड की कितनी मशीनें होंगी? क्या सब पता है इन्हें? आता है ना सर। आप बताइए मैडम, आप बताइए। सर मुझे नहीं पता। क्या बात है, सही जवाब, सही जवाब, वाह सही जवाब। क्या नाम क्या आपका? सर रिद्धि। गुड 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 गुड। देखिए इनको, देखिए इनको नहीं पता, लेकिन इनको मालूम है कि इनको नहीं पता। अरे और तुमको पता ही नहीं कि तुमको नहीं पता। देखा आप लोगों ने कितना फर्क है। आप आ गई, आ गई, आ गई। अरे भाई लड़की खड़ी हुई है, उसको बैठने दो। जिम में मैनर्स नहीं सिखाते क्या? ठरकी टीचर। कर ले भाई, बैठो बैठो बैठो। देखिए पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि लेडीज फर्स्ट होनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा लड़कियां जितनी बैठी हैं वो आगे आ जाएं और जितने स्टूडेंट्स लड़के बैठे हैं वो पीछे चले जाएं। आइए गर्ल्स आइए। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं जानता हूं कि पूरे वर्ल्ड में लेडीज फर्स्ट का रिवाज है, लेकिन क्लासरूम में ऐसा नहीं होता सर। जो भी पहले आता है आगे बैठ जाता है। हाउ डू यू नो? सर मैंने पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई की है सर, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, इटली, स्पेन, जापान, कनाडा, बांग्लादेश, पूरी दुनिया के बारे में मालूम है और अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में नहीं जानते? बड़े बड़े देशों में पढ़े हो, यहाँ पर भी बाप की बड़ी डोनेशन से आए हो या मेरिट पे आए हो? मैं आज तक जहाँ पहुंचा हूँ मेरिट पे पहुंचा हूँ, अपने बलबूते पे पहुंचा हूँ सर। तो कुछ पूछूं? पूछिए सर। सही, तो ये बताओ कि अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो किसने ईजाद की थी? डॉक्टर इयान डोनाल्ड। वाह वाह, और किस साल में बनी थी ये मशीन? 1957. वेरी गुड, वेरी गुड। आई डिजर्व दिस सर, थैंक यू, थैंक यू। और कहां पर बनी थी ये मशीन? स्कॉटलैंड। नहीं, स्कॉटलैंड तो मैं भी जानता हूँ, स्कॉटलैंड में कहां? ग्लासगो। ग्लासगो में कहां? मतलब एड्रेस पूछ रहा हूँ, मतलब कहां बनी थी? जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस था, या द्वारका, या नोएडा, प्रपड़गंज, पीतमपुरा, कहां कहां? वैसे ही ग्लासगो में कहां? पूरी दुनिया घूम के आए हैं आप, लेकिन आपको ये नहीं पता है। चलो भाई, जितने भी मेल है भाई लोग, चलो पीछे, ऑल मेल्स। चलो चलो यार, चलो, चलो। आगे बिठा के ही छोड़ेगा ये। ऑफ कोर्स लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है, लड़कियां आगे बैठेंगी। बैठ बैठ दद्दू, आ जाओ। आप बैठिए अंकल, आप बैठिए। थैंक यू सर। टर्की, ये कुछ टर्की जैसी कुछ साउंड मेरे कान में पड़ी है। कौन बोला टर्की? टर्की कौन बोला? टर्की नहीं सर, ठरकी होता है। लेकिन आपको नहीं बोला सर,
हाँ। आपने कहा ठरकी जैसा कुछ किया। आप चलिए बाहर। सॉरी सर। सॉरी सर। नहीं नहीं आप बाहर चलिए, आप दोनों बाहर चलिए और पता कीजिए कि ग्लासगो में कहाँ बनी थी वो मशीन। चलिए बाहर चलिए आउट। चल यार। चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो आउट। चल यार। हाय अंकल। यस सर। बैठी बैठी बैठी। मैं डोंट माइंड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस क्लास में मतलब आप इस उम्र में कैसे सर। बैठ के बोलिए सर। लड़कियों के पीछे रहता था इसलिए पीछे रह गया। अब समझ में आया। तो अभी आप पीछे जाके बैठिए। चलिए पीछे चलिए चलिए विजय चलिए। हाय क्या नाम है जी आपका? सर कन्नू। कन्नू, वाह लवली नेम। थैंक यू। आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। सर मेरी स्माइल थोड़ी डेंजरस है, आपको अच्छी लगी होगी। लगता है मोहब्बत की तादी तादी चोट है। रिद्धि ना, मैं एक सवाल करूँ आपसे। यस सर। ये जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है ये किस किस चीज में काम आती है? काफी सारी चीजों को डायग्नोस करने के लिए यूज होती है। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, और भी काफी सारी चीजें चेक करने के लिए यूज होता है। वाओ, एकदम सही जवाब दिया आपने, एकदम सही जवाब। बैठिए बैठिए बैठिए। मैं आपको ये 5 रुपए देता हूँ, ये रखिए आप। एंड इट्स नॉट ओनली गुड लक, इट्स इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इन कैश। कीप इट अप। मोटिवेशन। अच्छा अब मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे। हाँ जी। आप एक डॉक्टर हैं? जी। और एक औरत आपके पास अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाने के लिए आती है। औरत की उम्र है 38 साल। उसके साथ एक 4 साल का बच्चा है और एक 8 साल की बच्ची है, और एक औरत है जो 48+3 है, और एक आदमी है जो 75-2 है। तो मुझे डॉक्टर की एज बताइए। सर पता नहीं। अरे कमाल करते हैं आप भी, मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर आप हैं। आइए मेरे 5 रुपए वापस लाइए 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 लाइए। मेरा ख्याल आज की क्लास यहाँ तक के लिए काफी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। सर आई क्यों नहीं? पता करती हूँ। ओह हाय। हाय, कैन यू प्लीज टेल मी आज डॉक्टर कपूर क्यों नहीं आए? या उनका फोन आया था, उनकी वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब है। ओह क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक यू। वेलकम। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मेम साहब काम पर। मेम साहब। हाँ। आपसे कोई मिलने आई है, कोई कन्नू है नाम उसका। अंदर भेज दो उसे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैम मैं कन्नू। पता है। आई नो। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बोलूं। गलती हुई है बहुत बड़ी मैम, बहुत बड़ी गलती। मैम मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। आप लोगों को कभी दोबारा देखूंगी नहीं। मैम हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी मैम।
हाय सर। बोलो कन्नू। सर मैं प्रेरणा मैम से मिलके आई। सर आप सही कहा करते थे, हमें दूर हो जाना चाहिए। सर मैं आखिरी बार आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज के बाद कभी आपसे नहीं मिलूंगी। सर बस लास्ट टाइम आप मुझसे मिल लीजिए। जस्ट लास्ट टाइम। ठीक है, मिलते हैं कल। कैफेटेरिया में मिलते हैं जहाँ पहले भी मिलते थे। बैठो। सर ये इतना सारा खाना किस लिए है? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम आखिरी बार मिलने आ रही हो, इसलिए मैंने मंगाया। गलत, वेट कर रहा था तुम्हारी, सोचा कि खाना ही ऑर्डर कर दे। मैं जा रही हूँ इसलिए आपने मंगवा लिया होगा। सिर्फ जा नहीं रही हो क्योंकि तुम्हारा पति 12वीं पास फटीचर कहाँ से खिला पाएगा तुम्हें। सोचा जाते जाते कुछ अच्छी सी पार्टी देके भेजूं। आज का दिन बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं कि हम लोग आखिरी बार मिल रहे, लेकिन स्पेशल इसलिए कि पहली बार मैं प्रेरणा को बताकर यहाँ आया हूँ। छुपाने को तो अब कुछ रहा ही नहीं। Thank you.
से क्या हो वे? क्या हुआ, सब ठीक है ना? कौन गुजरा? परेशान पांडे, मुझे फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने यार? शेट यार, क्या होगा उसके घर वालों का? सर आप परेशान पांडे को क्यों मार रहे हैं? वो तो पहले से परेशान है। तो तुम यहाँ क्यों खोपचे में बैठी हो? लो दिल खाली करो, चलो खाना खाने जाना, चलो बताओ। सर अब मैं ज्यादा दिन आप लोगों के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। क्या बात? सर मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। कब? सर 2 दिन बाद की टिकट है। इंस्टीट्यूट छोड़ के? ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ के? बगैर फ्यूचर का कोई ख्याल किए हुए? क्या वजह क्या है? जी ओ, मैं डॉक्टर कपूर के इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। क्या चाहिए था आपको? नहीं चाहिए कुछ नहीं, थोड़ी बात करनी थी। यहीं करें या अंदर करें? आइए। आप हाउसवाइफ? नहीं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर प्रेरणा। डॉक्टर प्रेरणा, वाह, वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर। मैं तो अभी शादीशुदा भी नहीं हूँ, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ खुला खेल फरूखाबादी। लेकिन आप लोगों की बहुत चर्चा होती है, मिसालें देते हैं लोग, आकाश प्रेरणा बेस्ट कपल डॉक्टर, टच वुड नजर न लगे। कोई बड़ा भाई है तुम्हारा? जी नहीं। सॉरी मैं आपको तुम बोल सकता? बड़े हैं आप। शुक्रिया, तुमने मुझे बड़े भाई का दर्जा दिया। देखो मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना डॉक्टर साहब का, ना तुम्हारा, ना कन्नू का। मेम साहब चाय लाऊं? हाँ चाय लाओ ना, थोड़ी चीनी कम डालना। जी। 2 कप। प्यार मोहब्बत निकाह तलाक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मुझे इन बातों में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। एक बार यूं ही नेट पर बैठ के तलाश कर रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, मैं शौक हो गया। 100 में से 80% लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 5 में से 4। 4 ये कोई बीमारी नहीं है, ये फितरत है, इंसानी फितरत है। बहुत परेशान था मैं, मैंने अपने दोस्तों से भी बात की जो शादीशुदा लोग थे, मैंने उनसे पूछा क्यों है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या क्या सोचते हो? एक ने कहा भाई कहाँ लिखा है कि शादी होते ही आपके इमोशन के वायर काट दिए जाएंगे, सारे इमोशन खत्म। शादी के पहले भी वो इंसान था, शादी के बाद भी वही इंसान है। शादी के पहले भी प्यार कर सकता है तो शादी के बाद क्यों नहीं प्यार कर सकता है, बताओ मुझे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना एक स्पेस की जरूरत होती है। तुम्हारी एक अपनी जिंदगी है, डॉक्टर कपूर की भी अपनी एक जिंदगी है, इन दोनों को मिलाकर एक साथ एक दूसरी जिंदगी है, इसको मत बर्बाद करो। कन्नू को इतनी बड़ी सजा तो मत दो उसके प्यार की कि उसका फ्यूचर खराब हो जाए।
डॉक्टर कपूर को सब लोग पसंद करते हैं। वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे हस्बैंड हैं, इंसान हैं। उन्होंने प्यार किया, उनको इतनी बड़ी सजा मत दो कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। लीजिए। डॉक्टर कपूर फंसे हुए हैं। तुमको लग रहा है कि वो गलत है, तो उससे उनको निकालेगा कौन? तुम, डॉक्टर प्रेरणा, तुम्हारा फर्ज है, तुम निकालोगी। टेम्प्रेरी फेज है, बहुत टेम्प्रेरी फेज है। टेम्प्रेरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नयापन उन्हें दूसरे में दिख रहा है, कब तक दिखेगा? एक दिन वो भी नया नहीं रहेगा। फिर लाइफ के एंड में तीनों लोग कहीं 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 सोच रहे हो, एक दूसरे को कोस रहे होंगे। कन्नू के फेलियर के लिए डॉक्टर साहब तुम्हें कोसेंगे, इस घर की बर्बादी के लिए तुम डॉक्टर साहब को कोसोगी, और कन्नू पता नहीं किस किस को कोस रही होगी अपने लिए। और एंड ऑफ द लाइफ खुश कौन? बोलो, हर कोई ले लेता है तलाक, लेकिन जिंदगी को बचा के ले जाने में जो मजा है ना, उसको समझने की कोशिश करो, और वो तुम करोगी ठंडे दिमाग से। तुमने मुझे बड़ा कहा है, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूं। सच बोल रहा हूं, कन्नू से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें हार नहीं पहुंचाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब की जिंदगी से कन्नू चली गई तो डॉक्टर भी तुम्हारी जिंदगी से उतना ही दूर चला जाएगा। सोच लो। आकाश, कनु हमारे पास जूनियर कंसल्टेंट की तरह काम करेगी। What? कनु ने भी यही सवाल किया था, मेरा स्वार्थ है इसमें, और तुम ये नहीं पूछोगे कि क्या स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं तो समझदारी ही सही। टेम्पररी फेज है, बहुत टेम्प्रेरी फेज है। टेम्प्रेरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नयापन उन्हें दूसरे में दिख रहा है, कब तक दिखेगा? एक दिन वो भी नया नहीं है। आज तुम दोनों से एक प्रॉमिस चाहती हूँ। अगली बार जब इसे कॉफी के लिए लेके जाओ या पार्क में, तो इस बेचारी को प्रॉपर्टी डीलर मत बताना। खुदा हाफिज मेरे यार, सब खैर मेरे यार, सब खैर। एक्शन। अरे फर्स्ट साइट में भी लग हुआ था वायरस बन के मक्खी। वालेकुम सलाम। मैंने उल्टा बोला, तुझे सलाम वालेकुम। मैं एक बिहारी, दिल्ली से बिल्डारी यार, ये मक्खी बहुत आ रही है यार। यार उधर थोड़ा साइलेंस रखो यार। नारे का भी इस मूवी का हीरोइन एक बच्ची के पीछे मार खाता है। सॉरी। पंखा लगा दे यार, क्यों नहीं लगा देते यार? माँ कसम, पंखे वाले को एक तो रथ पे बैठ। तुमको लग रहा है कि ये घर घर खराब करने वाला है? अरे फॉर्म यार, दिल मिल रहा है, तुम फॉर्म कर रही हो। अरे ये है क्या? मैं सोच के आया था, अगर नहीं सुनोगी तो चला जाऊंगा। का खंडा ना, तुमको 12 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही। चल पड़ी हो गया रे, तो गाड़ी की आवाज आई, कहाँ आएगी? हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तेरा डायलॉग है। प्लीज निकाल। इनका अलग से ले ला। सुने हर
सुने हैं हर उम्र के युवक को ट्रेनिंग देती हो आजकल? ये बोल ला बेटी हमसे अरे यार फोन ही नहीं ला सर मैं ही 10 साल से इनकी दीदी हूँ और इनका नाम चौकस नहीं है वही बोलूं यहाँ से ना सब कुछ दिख रहा था डांट खा के आ रहा है हैं I'm sorry ओ पीटे आशिक क्यों लंबी लंबी फेंक रहा है धूल सॉरी यार क्या हो रहा है मतलब तेरे से नहीं हुआ तो बेचारा ट्राई तो मार सकता है ना क्यों भाई निकल के ट्राई मतलब तेरा नहीं हुआ तो बेचारा ट्राई तो मार सकता है ना बना तो उसका तो बेचारा ट्राई तो मार सकता है ना पता तुमने हाथ धो के जयेश तुम यहाँ से जा रहे हो कि मैं मैनेजमेंट में किसी जब इसे अगली बार कॉफी के लिए लेके जाओ या पार्क में तो प्रॉफिट गन्ने का रस नहीं है कुछ फ्रूटी मांगती है माँ की हाँ अभी कहाँ से आ गया ये गन्ने का जूस सॉरी 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 For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.